अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम एहसान दानिश है और आप देख रहे हैं ब्लॉगर ब्रैकेट्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट प्लगइन्स को। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के अबाउट बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वूकॉमर्स। अगर आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट डिवेलप करना चाह रहे हैं अपने या अपने क्लाइंट के लिए, तो ये प्लगइन आपके लिए कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है और इसकी क्या क्या सेटिंग्स हैं हमारे पास। स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने आ जाना है प्लगइन्स पे, ऐड न्यू, और यहाँ पे बेसिकली ये प्लगइन था हमारे पास। यहाँ पे हमने इसको सर्च कर लिया, वूकॉमर्स प्लगइन का नाम है, इसी तरह से आपने लिखना है। और यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वो प्लगइन आ चुका है। ठीक, ये हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद इसको हमने एक्टिवेट कर लिया और इसके तमाम ऑप्शंस जो हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगे कहीं पे। ओके, ये एक्टिवेट कर दिया हमने, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वूकॉमर्स ये तमाम आ चुका है। ओके, तो अभी हमने इसको सेटअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये रन द सेटअप विजर्ड, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, जो भी हमारा कंट्री है, मेरा इस टाइम या आपके क्लाइंट का कंपनी है, सॉरी कंट्री है जो आपके क्लाइंट का है या आपका है। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें एंटर कर दूँगा। करेंसी, यहाँ से आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल लोग यूनाइटेड स्टेट्स की सिलेक्ट करते हैं, यूएसडी डॉलर्स। और यहाँ पे देखें, आप सिलेक्ट करें कि आप किस तरह की प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहे हैं, फिज़िकल है या डिजिटल है या दोनों बोथ हैं। तो मैं यहाँ पे इसको यहीं रहने दूँगा। ठीक है, अगर आप कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो इसको चेक करके लेट्स गो पे क्लिक करें। नेक्स्ट पेज पे हम अभी, ये हमें जाएगा, उसके अंदर हम सेटिंग्स करेंगे पेमेंट्स के रिलेटेड, कि किस तरह से हम क्लाइंट से पेमेंट सेलेक्ट रिसीव करेंगे। यहाँ पे देखें, ये पेपाल, आपने क्या करना है, सेटअप पेपाल फॉर मी यूजिंग दिस ईमेल। यहाँ पे अपनी पेपाल आईडी दे देनी है, जो भी आपका पेपाल है। ठीक है, और इसको ऑन रहने देना है। उसके बाद ऑफलाइन पेमेंट्स अगर आप कोई सेटअप कर रहे हैं, मतलब कैश ऑन डिलीवरी या इस तरह से कोई, तो यहाँ पे देखें इसको इनेबल कर दें आप। ठीक है, यहाँ से जो भी और बैंक का या कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें और कंटिन्यू कर दें। ठीक है, तो यहाँ से हमारी पेमेंट्स का वो हो गया। तो ये पेमेंट्स के सेटिंग्स के ऑप्शन मज़ीद डिटेल के अंदर और भी हमारे पास नज़र आ जाएंगे, वो हम देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि हम शिपिंग किस तरह से करेंगे और हमारे चार्जेस क्या होंगे शिपिंग के लिए। तो यहाँ पे देखें, फ्लैट रेट या फ्री शिपिंग, अगर आप फ्री शिपिंग कर रहे हैं तो फ्री शिपिंग सेलेक्ट कर लें। अगर आपके कोई रेट्स हैं तो यहाँ पर आप वो कॉस्ट मैंशन कर सकते हैं कि 500 रुपये ऑल ओवर द पाकिस्तान। ओके, और लोकेशन नॉट कवर्ड बाय द अदर जोन्स, यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप अगर कहीं और सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप लेट्स सपोज किसी और कंट्री के अंदर या फिर किसी और उसके अंदर क्या कहते हैं रीजन के अंदर आप सिलेक्ट, किसी और रीजन के अंदर आप सिलेक्ट करना चाहें, शिपिंग करना चाहें, तो उसके लिए आप अपने रेट्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट होगी, ठीक है, उसको आप किन यूनिट्स में मेजर करेंगे, ग्राम्स में, पाउंड में, या कितने ग्राम का कितना आपका शिपिंग कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर हाइट और वेट की बात करें तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। ओके, उसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पे कॉस्ट मैंने सॉरी रैंडम कोई भी डाल देता हूँ मैं, बेसिकली मैंने करेंसी USD सेलेक्ट की थी और ये बहुत ज़्यादा शिपिंग चार्जेस मैंने बता दिए, तो आप ये ज़रा देख के। उसके अलावा आप MailChimp अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो MailChimp आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। MailChimp बेसिकली एक ऑनलाइन ईमेल सर्विसेज है, जहाँ पे आपकी तरफ से
अगर आप उसको सेटअप करते हैं तो आपकी तरफ से ऑटोमेटेड ईमेल्स आपके कस्टमर्स को जाती हैं। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको नहीं कर रहा सेटअप, तो इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू विद वूकॉमर्स सर्विसेज। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ओके। तो ये हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यू आर रेडी टू सेलिंग गेट टिप्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल दे सकते हैं, जहाँ पे ई कॉमर्स वालों की तरफ से, वू कॉमर्स वालों की तरफ से आपको वो आती रहेंगी, क्या कहते हैं, ईमेल्स आती रहेंगी। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स पहले से अवेलेबल हैं तो उनको आप यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल के अंदर इसकी सेटिंग्स देखेंगे। तो क्या कर रहे हैं, हम दोबारा चले जाते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं विजिट डैशबोर्ड। ओके, विजिट डैशबोर्ड में यहाँ पे देखें, हमारे पास ये वू कॉमर्स आ गया। तो इस पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये वू कॉमर्स आ गया। वू कॉमर्स के अंदर सबसे पहले बात आ जाती है ऑर्डर्स की। तो ये मैंने ऑर्डर्स ओपन कर लिए। जो भी आपका बायर जो भी बायर, जो आपका कस्टमर है, वो कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा आपके स्टोर पे, वो सारी की हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो होगी। ओके, उसके बाद बारी आ जाती है कूपन्स की। आप यहाँ से कूपन्स क्रिएट करके दे सकते हैं। मतलब कूपन्स ऐसी चीज़ें होती हैं या कोई ऐसे कोड्स होते हैं जिसके ज़रिए आप किसी को डिस्काउंट दे रहे होते हो। अक्सर वेबसाइट्स पर अगर आप जाते हो, वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हो, वहाँ पे लिखा होता है हैव अ प्रोमो या कूपन कोड। अगर वो कूपन कोड आप वहाँ पे एंटर करते हो तो क्या होता है कि उतने पैसों का, जितनों का वो कूपन कोड होता है, उतना डिस्काउंट मिल जाता है आपको। तो आप अपने कस्टमर्स के लिए यहाँ से कूपन कोड जनरेट कर सकते हैं। क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, यहाँ पर इस तरह क्लिक करके उस कूपन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैं कूपन का नाम दे सकता हूँ, डीबी कुछ भी दिया मैंने, और यहाँ पे गेट फ्लैट 50% ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे देखें मैं डिस्काउंट सेट कर सकता हूँ कि कितना डिस्काउंट मैं दूंगा। यहाँ पे फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट परसेंटेज, कितनी परसेंटेज एक उसके, मतलब अगर लेट्स सपोज 100 रुपये का प्रोडक्ट है और मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो तमाम प्रोडक्ट्स पे 10% ऑफ होगा परसेंटेज। और अगर मैं फिक्स दे रहा हूँ कि अगर 10,000 का भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर 500 कूपन हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे अलाउ फ्री शिपिंग, यहाँ पे आप ये चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे इस कूपन की एक्सपायरी डेट दे सकते हैं कि किस दिन के बाद, किस डेट के बाद ये कूपन एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ये यूजेबल नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे देखें यूजेज रिस्ट्रिक्शंस, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मिनिमम स्पेंड कि कितने लोग इसको मिनिमम बार यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पेंड कितनी बार कर सकते हैं। यहाँ से उसकी तमाम सेटिंग्स देख सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर ये आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज के ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अभी मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, तो यहाँ पर वो शो भी नहीं हो रही। ओके, उसके बाद यूजेज लिमिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजेज लिमिट पर पर्सन। ठीक है, पर कूपन के मतलब एक कूपन को कितनी बार यूज़ किया जा सकता है, और एक कूपन को कितने यूज़र, एक यूज़र एक कूपन को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी आप लिमिट सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो ये जब भी कोई ये बीबी यूज़ करेगा, कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हुए जिनके ऊपर आपने कूपन लगाया हुआ है, तो क्या होगा, उनसे फ्री में आपको मतलब डिस्काउंट मिल सकेगा उनको, अगर आप कोई सेल रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कूपन्स के बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स है, तो यहाँ पे आप तमाम रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि एक मंथ के अंदर या एक दिन के अंदर या लास्ट 7 डेज के अंदर आपके पास कितने ऑर्डर्स आए, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी सेल आउट हुई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है सेटिंग्स को मेन्यू में देखते हैं स्टेटस की। स्टेटस में आने के बाद यहाँ पे हम सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का वर्डप्रेस एनवायरनमेंट और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई पड़ी हैं आपकी वेबसाइट के अंदर।
या इस प्लगइन के साथ क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी एक्सटेंशंस यूज़ हुई पड़ी हैं WooCommerce की। ओके, डिफरेंट एक्सटेंशन जैसे PayPal के लिए आप एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सटेंशंस WooCommerce के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन, बुकिंग और मेम्बरशिप ATC, लेकिन ये पेड होती हैं तो इनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है सेटिंग्स की बारी। सेटिंग्स में ऑलमोस्ट वो तमाम सेटिंग्स हैं जो हमने सेटअप विजिट करते हुए यूज़ की थी, ये देखें वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जनरल सेटिंग्स है, उसके बाद प्रोडक्ट्स के लिहाज से अगर आपने कोई भी सेटिंग करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें शॉप और ये सारी चीज़ें हमने उस टाइम सेटअप की थी। ठीक, और यहाँ पे देखें इन्वेंट्री, इसके सब मेन्यूज़ हैं यहाँ पे, इनको मैं बेसिकली ज़रा डिसमिस कर दूँ। तो तब आपको ठीक से नज़र आएगा। अपनी इन्वेंट्री को तमाम को आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, होल्ड स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे इन सब चीज़ों को आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री की। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स अगर आपकी कोई हैं तो इन ये बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, अगर कोई आपका क्या है, क्या कहते हैं, कोई PDF बुक है, आप वो सेल आउट कर रहे हैं, कोई इमेजेस हैं या कुछ भी है, तो उनकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, ये बेसिकली डिजिटल के लिए। उसी तरह शिपिंग के अंदर हम जाएंगे, शिपिंग की तमाम रेट्स शिपिंग के और कहाँ कहाँ पर आप शिपिंग करते हैं और कहाँ कहाँ पर आप नहीं करते, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए शिपिंग ऑप्शंस, शिपिंग जोन्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप शिप करना चाह रहे हैं और शिपिंग ऑप्शंस के कहाँ कहाँ पर आप शिपिंग करेंगे और कितने कितना एड्रेस वो लगेगा, कितने चार्जेस लगेंगे उसके। उसके बाद शिपिंग क्लासेस, इसके अंदर आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप डिफरेंट सर्विसेज के ये क्लासेस के अंदर इतने दिन में पहुंच जाएगी और इसके अंदर जल्दी पहुंच जाएगी लेकिन उसके चार्जेस ज़्यादा रख दें, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए पेमेंट्स के रिलेटेड आप सेटिंग्स, ये भी हमने PayPal सेटअप किया था तो नॉर्मली इसके साथ PayPal ही सेटअप होता है। और यहाँ पे देखें ये जैसे PayPal, अगर इसको आप इनेबल कर लेंगे तो PayPal चेकआउट ये हमने सेटअप किया था। और यहाँ पे देखें ये हो गया PayPal सेटअप और इसको हमने यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ इसकी PayPal के लिए, वो सारी PayPal की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हमने फिल आउट करनी है और यहाँ पे सेव कर देना है। ओके, इसी तरह से बाकी पेमेंट मेथड्स भी आप इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अकाउंट एंड प्राइवेसी, गेस्ट चेकआउट, आप चाहते हैं कि आपका यूज़र आए और अकाउंट क्रिएट किए बिना आपकी वेबसाइट पे वो ऑर्डर प्लेस कर सके, तो ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है बेसिकली। आप इसको भी अलाउ कर दें और इसको भी, बेसिकली एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अकाउंट यूज़र को चाहिए अकाउंट क्रिएट करें ताकि हमारे पास उसकी तमाम डिटेल्स हों। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप अकाउंट्स एंड प्राइवेसी से रिलेटेड सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ईमेल्स की बारी आ जाती है कि जब आपको न्यू ऑर्डर, मतलब कोई न्यू ऑर्डर प्लेस करे। यहाँ पे देखें अगर मैं इसको न्यू ऑर्डर पे मैनेज पे क्लिक करूँ तो जब कोई न्यू ऑर्डर प्लेस करे तो उसके पास इस तरह के कुछ मैसेजेस नज़र आए उसको कि ये देखें साइट टाइटल, ईमेल हेडिंग, HTML टेम्पलेट, उसके पास एक मैसेज शो होगा कि थैंक यू फॉर न्यू ऑर्डर, ताकि जिस तरह हम ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे तो हमारी ईमेल पे फ़ौरन से एक ईमेल आ जाती है, तो उसके अंदर जो कंटेंट होता है, जो टेक्स्ट होता है, वो बेसिकली यहाँ से जा रहा होता है। तो यहाँ इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑर्डर नंबर और HTML, यहाँ पर टेम्पलेट आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से व्यू टेम्पलेट करके उन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस पे अगर बात करें, हम एडवांस में तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट पेजेस की बात हो रही है कि ऑर्डर्स आए, व्यू ऑर्डर्स,
तो इसको आई होप इसको इसी तरह से आप रहने दें, इसको आप ना छेड़े तो आई होप ज़्यादा बेहतर होगा अभी बिगनिंग के लिए, तो इसको आप बिल्कुल ऐसा ही रहने दें। उसके बाद बारी आ जाती है इस प्लगइन के साथ दो ऑप्शन आते हैं, एक तो ये आ गया और इसके ये सब ऑप्शन आ गए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन आ गया प्रोडक्ट्स का, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है तो ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ से वो सारे प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ जाएंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपने ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं है, अगर आपके पास कोई CSV फाइल है प्रोडक्ट्स की तो यहाँ से आप वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट की तमाम डिटेल्स यहाँ पे एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस प्रोडक्ट की तमाम डिटेल्स, नाम, प्राइस और उसकी तमाम फीचर्स, ये सारा कुछ आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे डेनिम जीन्स, ओके, यहाँ पे उसके अबाउट कोई भी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट किस तरह का है, सिंपल प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, किस तरह का प्रोडक्ट है, तो यहाँ से आप चेक कर लें कि वर्चुअल प्रोडक्ट है यह डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। तो अभी के लिए हम कहते हैं कि यार ये सिंपल प्रोडक्ट है, और यहाँ पे आप इसकी रेगुलर प्राइस देंगे कि $2,000, और यहाँ पे आप सेल्स प्राइस, जिस तरह अक्सर लिखा होता है कि 2,000 की ओरिजिनल है और 1,000 की आपको मिल जाएगी सेल के ऊपर, तो अगर आप सेल में देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो सेल प्राइस भी मैंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री उस प्रोडक्ट की, उसका SKU, उसका कोड जो होता है स्पेसिफिक, ठीक है, और इन स्टॉक में है ये। उसके बाद इन्हें अलाउ आइटम टू बार्ट इन अ सिंगल ऑर्डर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हर बंदा इसको एक एक करके ही परचेज करे, वैसे ये कोई ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं करता मैं, ठीक है। इनेबल स्टॉक, तो यहाँ पे आप क्लिक करके मेंशन कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कितने पीसीज आपके पास पड़े हैं, ठीक है। स्टॉक क्वांटिटी लेट्स सपोज 100 पड़े हैं, जब 100 सेल आउट हो जाएंगे तो यूज़र को ऑटोमेटिकली वो दिखाने लग जाएगा कि दिस आइटम इज़ आउट ऑफ द स्टॉक। उसके बाद बारी आ जाती है शिपिंग की, कि आप इसके लिए शिपिंग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। शिपिंग क्लासेस क्योंकि हमने क्रिएट नहीं की तो इसको ऐसे ही रहने दें, और यहाँ पे ये देख लें कि इसके हाइट कितना है, विड्थ कितना है, और लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, और वेट कितना है। उसके बाद बारी आ जाती है लिंक्ड प्रोडक्ट की। लिंक्ड प्रोडक्ट बेसिकली ये होते हैं, जैसे आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन करते हैं और एक प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं, जिस तरह अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ अमेज़ॉन पे, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमारे सामने नज़र आएंगे, तो एक प्रोडक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया, और ये एक प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, ये देखें इस प्रोडक्ट की तमाम यहाँ पे ये हेडिंग, ये इसकी इमेज, ये सारा कुछ नज़र आ गया हमारे पास। लेकिन इसके नीचे देखें यहाँ पे कुछ और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो ये वाले प्रोडक्ट आप अगर लगाना चाहते हैं तो लिंक्ड प्रोडक्ट्स में यहाँ से लगा सकते हैं। प्लीज़ एंटर 3 or more करेक्टर्स, यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट आपने डिफरेंट ऐड किए हुए हैं तो अपने प्रोडक्ट का नाम लिखें तो वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ओके। उसके बाद एट्रीब्यूट इस प्रोडक्ट का क्या है, कस्टम प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, नेम यहाँ पे सेपरेटिंग, जिस तरह उसका क्या कहते हैं कलर, उसकी क्या बात आ जाती है, उसके कलर की, साइज़ की, और डिफरेंट तरह की ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने सिंपल प्रोडक्ट यूज़ किया। अगर हम इसको करते प्रोडक्ट वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट वेरिएशंस एट्रीब्यूट्स में, यहाँ पे आप यूज़ फॉर वेरिएशंस, इनको यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे कलर, और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कलर, साइज़ हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इनको मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो अभी के लिए इसको हम सिंपल प्रोडक्ट्स पर ही क्लिक कर देंगे। उसके बाद एडवांस परचेज नोट, जब कोई बंदा इसको परचेज कर ले तो उसके पास क्या मैसेज नज़र आया, उसके बाद जिस तरह नॉर्मली ये मैसेज नज़र आता है, थैंक यू फॉर यूअर परचेजिंग, ओके। और मेन्यू ऑर्डर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इनेबल रिव्यूज़, इनको भी
रहने दें ताकि यूज़र आपके उस पर रिव्यू दे सके। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि प्रोडक्ट इमेज और प्रोडक्ट गैलरी। तो यहाँ पे देखें, ये बेसिकली हमारी प्रोडक्ट की इमेज है जो नॉर्मली हमें शो हो रही है, ये देखें इस तरह से। तो ये जो इमेज है आप यहाँ पे ऐड करेंगे प्रोडक्ट इमेज, और प्रोडक्ट जो गैलरी है वो बेसिकली यहाँ पे देखें ये देखें और इमेजेस भी यहाँ पे ऐड हुई पड़ी हैं डिफरेंट एंगल से। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट गैलरी की इमेजेस ऐड कर सकते हैं, 4-5 या जितनी भी आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं। आई होप इस प्लगइन के अबाउट, अच्छा सॉरी एक चीज़ और मैं यहाँ पे मिस कर गया, यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रोडक्ट, जैसे ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या जो भी उसके फीचर्स हैं। आई होप इस प्रोडक्ट के सॉरी इस प्लगइन के अबाउट आपको समझ आ गई होगी कि क्या ये प्लगइन है और क्यों ये यूज़ होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सबसे कंपलसरी प्लगइन है, इसके बगैर ऑलमोस्ट वर्डप्रेस के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना नामुमकिन है। ओके, तो इस प्लगइन को आप मज़ीद यूज़ जैसे करते जाएंगे आपको इसकी कंप्लीट समझ आती जाएगी, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। ओके, तो डिफरेंट यहाँ से आप प्रोडक्ट की कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये था ई कॉमर्स प्लगइन जिसको हम कहते हैं वूकॉमर्स। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारे फेसबुक ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर दे सकूँ। आई होप ये चीज़ें आपको आसान लग रही होंगी या थोड़ी कंफ्यूज कर रही होंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। उसके बाद अगर आपने कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का और कोई चीज़ चाहिए हो आपको कोई थीम लगे तो आप हमारे फेसबुक के ग्रुप के अंदर वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम लेक्चर्स और तमाम कोर्सेज का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।